मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों पे जो इश्क था, हुआ ना हो तो से बयां। जी हाँ, बॉलीवुड में भी भाई एक ऐसा ही इश्क है जो अभी तक बयां नहीं हो पाया है, वो है सलमान खान और कैटरीना कैफ का प्यार। भाई इन दोनों के प्यार के चर्चे तो दूर दूर तक हैं, लेकिन ये दोनों शादी कब करेंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हर किसी के दिमाग में लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए ही आज मैं आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और उनकी चहेती कैटरीना कैफ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म भारत को लेकर माल्टा गए हुए थे। माल्टा में वो भारत की शूटिंग कर रहे थे। वही कहा ये भी जा रहा है कि भाई इसी दौरान कहीं सलमान और कैटरीना शादी तो नहीं करने वाले, लेकिन आपको बता दें अब फिल्म की शूटिंग हो चुकी है खत्म और सलमान खान अपने देश वापस लौट कर आ चुके हैं। लेकिन भाई कैटरीना कैफ हो चुकी है गायब। अब वो कहाँ गायब हुई है, माल्टा से वो सलमान खान के साथ वापस क्यों नहीं आई, ये भाई आपको पता चलेगा हमारे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन भाई कहा जा रहा है कि कैटरीना कैफ जहाँ भी गई हैं वहाँ से लौटने के बाद वो सलमान खान के साथ शादी कर सकती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भाई सलमान और कैटरीना कैफ ही जानते होंगे, लेकिन भाई अगर खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि कैटरीना कैफ माल्टा में शूटिंग करने के बाद चली गई है सलमान को छोड़कर कहीं और वहाँ पे से वापस आने के बाद वो सलमान से रचाने वाली हैं शादी, और खान परिवार की कहीं वो बहू तो नहीं बनने वाली, ये सब आपको पता चलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार कैटरीना कैफ सलमान के साथ माल्टा से वापस क्यों नहीं आई और भाई सलमान को छोड़कर वो कहाँ गायब हो गई हैं और जहाँ भी वो गायब हो गई हैं वहाँ से आने के बाद सलमान से शादी करती हैं या फिर नहीं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और उनकी चहेती यानी कि कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म यानी कि भारत को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। और ये भी सभी जानते हैं कि पहले इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा काम करने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान को धोखा दे दिया और जिसके बाद से सलमान खान ने अपनी चहेती कैटरीना कैफ को इस फिल्म में कास्ट कर लिया। वहीं आपको बता दें हाल ही में फिल्म की शूटिंग के लिए कैटरीना कैफ और सलमान खान माल्टा गए हुए थे, यहां तक कि सलमान की फैमिली भी सलमान के साथ माल्टा में टाइम स्पेंड करती हुई नजर आई थी। वहीं आपको बता दें अब शूटिंग खत्म कर सलमान खान को वापस लौट आए, लेकिन कैटरीना कैफ सलमान के साथ वापस लौट कर नहीं आई है। जी हाँ, हाल ही में सलमान खान को एयरपोर्ट पर देखा गया था जहां पर वो अकेले ही नजर आए थे। वहीं फैंस यही उम्मीद कर रहे थे कि कैटरीना कैफ भी उनके साथ नजर आएंगी, लेकिन भाई आपको बता दें कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ नहीं आई और वो माल्टा से ही लंदन के लिए रवाना हो गई। दरअसल आपको बता दें कैटरीना कैफ लंदन में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गई हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कहा जा रहा है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ माल्टा में अलग हो गए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें जब से सलमान खान माल्टा से अकेले वापस लौटे हैं तभी से सोशल मीडिया पर फैंस यही कह रहे हैं कि माल्टा में सलमान खान अलग हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें फैंस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि लंदन से वापस आने के बाद शायद कैटरीना कैफ सलमान खान से शादी कर लेंगे। वो अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई माल्टा की कई सारी तस्वीरें सामने आई थी जो सलमान खान ने खुद शेयर की थी। दरअसल आपको बता दें सलमान खान और कैटरीना कैफ माल्टा में एक दूसरे के बेहद करीब आते हुए नजर आए थे, तो वहीं फैंस भी यही उम्मीद जता रहे थे कि माल्टा में शायद कैटरीना कैफ और सलमान खान ने शादी कर ली। लेकिन आपको बता दें
लेकिन आपको बता दें, सलमान और कैटरीना की एक बेहद रोमांटिक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें कैटरीना कैफ दुल्हन के लिबास में नजर आई थी, जिसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि कैटरीना और सलमान ने माल्टा में शादी कर ली। लेकिन भाई जब कैटरीना कैफ सलमान के साथ वापस अपने देश नहीं लौटी, एयरपोर्ट पर नहीं नजर आई, तो हर किसी के दिमाग में काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था कि आखिरकार कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ वापस क्यों नहीं आई। वहीं अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कैटरीना कैफ अपने परिवार वालों से मिलने के बाद, यानी कि लंदन से वापस लौटने के बाद, सलमान खान से शादी कर सकती हैं। वेल, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सलमान और कैटरीना कैफ ही जानते होंगे, लेकिन भाई जिस तरीके से सलमान और कैटरीना कैफ की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे यही साबित होता है कि अब कैटरीना और सलमान खान एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त होते जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सलमान और कैटरीना की जोड़ी को फैंस पर्दे पर भी और साथ ही साथ पर्दे के पीछे भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सलमान और कैटरीना जब भी बड़े पर्दे पर नजर आते हैं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ धमाका जरूर होता है, और ऐसा ही कुछ उम्मीद जताई जा रही है अब सलमान खान की फिल्म भारत के लिए। दरअसल आपको बता दें, सलमान खान की भारत से फैंस काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और इस फिल्म में कैटरीना कैफ है तो भाई चार चांद तो जरूर लगने वाले हैं। सलमान और कैटरीना की जोड़ी काफी लोग पसंद करते हैं, फैंस बस यही दुआ करते हैं कि अब जल्द से जल्द सलमान खान शादी कर ले और कैटरीना कैफ को अपने खान परिवार की बहू बनाए। वेल, अब देखना यही होगा कि क्या कैटरीना कैफ लंदन से वापस लौटकर सलमान खान से शादी करती हैं या फिर नहीं। और वैसे आपको बता दें कि माल्टा की एक तस्वीर सामने भी आई थी, जिसमें कैटरीना कैफ सलमान खान की मां सलमा के साथ गले लगी हुई नजर आई थी, और कैटरीना कैफ एक दुल्हन की लिबास में नजर आई थी, जिससे हर कोई यही कयास लगा रहा था कि शायद सलमान खान की मां सलमा खान ने कैटरीना कैफ को अपने घर की बहू बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वैसे आपको बता दें, कैटरीना कैफ के रिश्ते खान परिवार से काफी ज्यादा अच्छे हैं। सलमान खान की बहन अर्पिता खान के भी रिश्ते कैटरीना से काफी अच्छे हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ और सलमान खान एक दूसरे के करीब तो है ही, लेकिन इन दोनों के साथ साथ कैटरीना कैफ खान परिवार के भी बेहद करीब हैं। और जिस तरीके से कैटरीना और सलमान खान की मां सलमा की तस्वीर सामने आई थी, जिस तरीके से इन दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिली थी, उससे अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कैटरीना कैफ शायद लंदन से वापस लौटने के बाद सलमान खान से शादी कर सकती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने भाई, प्यार हो तो सलमान और कैटरीना कैफ जैसा ही हो। भाई हर लड़की के अंदर ये इच्छा होती है कि भाई उसको काफ़ी अच्छा पति मिले, लेकिन भाई हर लड़की ये भी चाहती है कि उसे सलमान खान जैसा प्यार करने वाला पति मिले। अब भाई हर लड़की को तो सलमान खान नहीं मिल सकते, अगर मिल सकते हैं तो वो है कैटरीना कैफ। अब सलमान और कैटरीना कब एक होंगे ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा, लेकिन भाई जैसे कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देख ही लिया कि कैटरीना कैफ सलमान के साथ वापस अपने देश नहीं लौट कर आई, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए लंदन चली गई हैं, और कहा जा रहा है कि लंदन से वापस लौटने के बाद सलमान और कैटरीना शादी कर सकते हैं, क्योंकि भाई माल्टा में जिस तरीके से इन दोनों की करीबियां देखने को मिली, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ सलमान से शादी करना चाहती हैं, तो वहीं सलमान भी कैटरीना से शादी करना चाहते हैं। साथ ही साथ सलमान की तस्वीर भी कैटरीना कैफ के साथ वायरल हुई थी, जिसमें सलमान और कैटरीना दूल्हा दुल्हन की तरह नजर आ रहे थे। कैटरीना कैफ ग्रीन कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन भाई फैंस ने तो ये कयास लगा ही दिए हैं कि सलमान और कैटरीना शादी कर ही चुके हैं। अब वो शादी कर चुके हैं या फिर नहीं, या फिर करने वाले हैं, ये तो सलमान और कैटरीना कैफ को ही पता होगा। पर अब देखना ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार कब करते हैं, और कैटरीना को सलमान खान अपने खान परिवार की बहू कब बनाते हैं।
लेकिन दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ मजेदार हॉट स्पाइसी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले नेक्स्ट 9 न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।